नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। तहसील मुख्यालय पर नव निर्मित ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त व विधायक अलका राय ने फीता काटने के पश्चात शिलापट का अनावरण करके किया। इसके पूर्व वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन किया गया। लोकार्पण के पश्चात सांसद व विधायक ने भवन का विधिवत निरीक्षण कर सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर CMO डॉ. GC मौर्य, ACMO डॉ. उमेश कुमार, SDM राजेश गुप्ता, CEO विनय गौतम, अभियंता अजीत चौधरी, अधीक्षक डॉ. आशीष राय, आनंद राय, मुन्ना वीरेंद्र राय, विजय शंकर राय, राजेश राय बागी, दिनेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता तेज बहादुर यादव व संचालन रामजी गिरी ने किया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोरा बाजार पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नामांकित 36 बच्चों को निःशुल्क ड्रेस का वितरण किया गया। ड्रेस पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व प्रभारी जनार्दन राय, प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार पांडे, निशांत अफरोज, शीतला वर्मा, रुक्मिणी देवी, परिचारक संतोष कुमार, PG कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर लवजी सिंह आदि उपस्थित थे। लूदर्स कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी सशक्तिकरण के लिए छात्राओं द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने नारी सुरक्षा, नारी सम्मान तथा नारी सशक्तिकरण पर अपना विचार व्यक्त किया। मिशन शक्ति के अंतर्गत लघु नाटिका का मंचन भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिला पुलिस टीम द्वारा छात्राओं को पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही सुरक्षा संबंधी जानकारी भी दी गई। किसी भी आपद अवस्था में पुलिस से मदद लेने की अपील की गई। प्रधानाचार्य सिस्टर अल्फोंजा द्वारा मिशन शक्ति के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। संचालन मीरा चतुर्वेदी ने किया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नंदगंज में भारतीय जनता पार्टी नंदगंज मंडल का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व जिला मीडिया प्रभारी कमलेश प्रकाश सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए अंत्योदयी प्रयत्नों के बारे में बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 14 मई ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के बाद 20 मई 14 को भाजपा संसदीय दल के नेता चुने जाने पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है और मान सम्मान के लिए तरसती हमारी मां बहनों को समर्पित है। इस मौके पर NGO प्रकोष्ठ के जिला संयोजक रविन्द्र श्रीवास्तव, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रुद्रा पांडे, पंकज पांडे, सुरेश बिंद, अखिलेश सिंह आदि उपस्थित रहे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुमित वर्मा तथा संचालन जगदीश चौहान ने किया। शासन के निर्देशानुसार चयनित हाई लाइन लॉस फीडर उपखंड मोहम्मदाबाद के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता विजय राज सिंह के निर्देशन में SDO मोहम्मदाबाद शत्रुघ्न यादव एवं विजिलेंस प्रभारी इंस्पेक्टर AK सिंह के नेतृत्व में तिवारीपुर हरिहरपुर में सघन बिजली चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 44 कनेक्शनों को चेक किया गया। बिजली चोरी करते पाए जाने पर 5 लोगों के खिलाफ धारा 135 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 16,34,000 बकाये पर 25 लोगों का कनेक्शन काटा गया, जबकि बकाये पर पहले काटे गए कनेक्शन को पुनः जोड़कर चलाए जाते पाने पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। एक उपभोक्ता का टैरिफ चेंज किया गया। 5 उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाने के साथ ही 87,000 की राजस्व वसूली की गई। चेकिंग टीम में सहायक अभियंता मीटर संतोष चौधरी, अवर अभियंता चित्रसेन प्रसाद, गुड्डू चौहान, विजिलेंस JE पंकज चौहान, फिरोज लाइनमैन, हरेंद्र खरवार मीटर सुपरवाइजर, राजेश यादव सुपरवाइजर, लिंक वेल एवं समस्त स्टाफ शामिल रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।